दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पेटीएम के शेयर को लेकर आई बड़ी खबर के बारे में। खबर यह है कि सेबी के निर्देश के कारण कैनेडियन पेंशन फंड पेटीएम में भारी बिकवाली करने वाला है। और दोस्तों, अगर वह फंड इसमें बिकवाली करेगा तो शेयर और भी टूट सकता है। इसका नेक्स्ट टारगेट अराउंड 350 या 300 तक हो सकता है। चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। का टॉप ट्रेडेड काउंटर। लेकिन अब बात करते हैं कैनेडियन पेंशन फंड की, जो बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म निवेशक है। इसने कई कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आजकल दरअसल कैनेडियन पेंशन फंड धीरे धीरे करके अपना स्टेक हल्का भी कर रहा है। आपको याद होगा बीते हफ्ते कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने अपना हिस्सा कुछ बेचा था। आज डेवलपमेंट ये निकल कर आई कि SBI लाइफ में भी करीब 0.5% का स्टेक बेचा है। लेकिन खबरें ये है कि शायद ये फंड कुछ और बिकवाली भी कर सकता है। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, ऐसा क्या हो रहा है कि कैनेडियन पेंशन फंड धीरे धीरे करके इन स्टॉक्स में अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत ही सही लेकिन लिक्विडेट कर रहा है? तो देखिए, कुछ दिनों पहले न्यूज रिपोर्ट ये आई थी कि सेबी ने काफी सारे पेंशन फंड्स को, खास करके कैनेडियन बेस्ड फंड्स को, चिट्ठी लिखी थी कि काफी सारे वायलेशंस KYC में हुए हैं और काफी सारे नॉन कंप्लायंसेस हैं, और ये अगर नॉन कंप्लायंसेस रहेंगे और ये KYC अगर नहीं हो पाया तो 6 महीने के भीतर भीतर सारे होल्डिंग्स जो है आपको लिक्विडेट करने पड़ेंगे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपने देखा हो पिछले दिनों कोटक बैंक में लगभग 2% हिस्सेदारी और आज SBI लाइफ में लगभग 0.5% हिस्सा उन्होंने बेचा है। दो स्टॉक्स जो हमारे जहन में आते हैं जहां कैनेडियन पेंशन फंड की सब्सटेंशियल होल्डिंग है, उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिसेंटली लिस्टेड पेटीएम, यहां आपको कंपनी में 1.5% हिस्सेदारी CIPPB की दिखेगी, लगभग 1 करोड़ शेयर होते हैं। और इसी तरीके से लगभग 5.8 यानी लगभग लगभग 6 करोड़ शेयर, 2.15% स्टेक इंडस टावर में भी आपको CPPIB का दिखेगा। ये कैनेडियन पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट बोर्ड है। तो ये दो स्टॉक्स हैं जहां ये बिकवाली कर सकते हैं। ये होल्डिंग जो आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, ये 31 दिसंबर 2021 की है। ताजा आंकड़े हमारे पास है नहीं, लेकिन एक्सचेंजेस पे क्लियरली दिखता है कि इतने बड़े हिस्सेदारी इनके पास है और शायद ये ओपन मार्केट में बेचें या ब्लॉक से बेचें, लेकिन इनको ये बेचना होगा क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है कि जो नॉन कंप्लायंस की दिक्कतें हैं उसके कारण CPPIB इंडिया में काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स अपने लिक्विडेट कर रहा है। और कब तक आपको लग रहा है ये, आपको नहीं लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई और डिटेल आएगा, वो कंप्लायंसेस पूरा करेंगे? वो प्रेशर तो डेफिनेटली सभी ने बनाया है, लेकिन क्या इनकी तरफ से इच्छा नहीं होगी उसे पूरा करने की? पूरा करने की होगी, लेकिन ये सब पैसिव फंड्स हैं। पेंशन फंड्स यूजुअली जो है पैसिव तरीके से एसेट्स मैनेज करते हैं और एडवाइजर्स के थ्रू करते हैं हर्षदा, और ये एक बात क्लियर है कि सेबी ने इनको निर्देश दिए हैं और 6 महीने में इनको पोजीशन लिक्विडेट करनी है। और कोटक बैंक में जहां ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, यहां इन्होंने 2% हिस्सा बेचा है, तो बहुत ही सब्सटेंशियल होता है ये 2% कोटक बैंक में। हालांकि डिमांड अच्छी थी, ब्लॉक हो गया, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो स्टॉक्स हैं इंडस टावर्स और पेटीएम कंटिन्यूस प्रेशर में है, और शायद अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे तो ये आपको साफ नजर आएगा कि शायद यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस ये दो स्टॉक्स में आता हुआ दिखाई दे सकता है। पेटीएम में तो लंका लग जाएगी अगर वैसा हो तो। पेटीएम का हाल ही आप देखिए, कहां पर प्राइस आया था इशू का और कहां पर रह गया स्टॉक के, भारी पड़ेगा अगर वाकई में यहां पर वो थोड़ा सा भी अगर हिस्सा बेचते हैं तो प्रेशर डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। ये तो पेटीएम के शेयर धारकों के लिए एक बहुत ही डरावनी चीज कह दी है यतिन ने। बताइए मयूरेश, अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे होते, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपके पास पेटीएम के शेयर नहीं है, क्या कोई मतलब है अगर उनकी तरफ से भी प्रेशर आने वाला है? यतिन ने बस बोला और देखिए स्टॉक 2% नीचे। अब मुझे लगता है ये सारे स्टॉक्स जो यतिन ने कहे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एक ओवरहैंग सा बना हुआ रहेगा, एंड देयरफॉर आई थिंक ये स्टॉक से थोड़ा दूर रहे जब तक आई थिंक ये सारी चीजें या अटकलें खत्म नहीं होती। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन यार। पेमेंट मोड के लिए चूज कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मोड के लिए याद रखिएगा पेटीएम को अवॉइड कीजिए। और बाकी कमेंट्री आपने सुनी ली यतिन की भी, और अब नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट्स क्या होगा? देखिए, टेक्निकल्स पर आधार पर टिप्पणी करना असंभव है क्योंकि चार्ट में हिस्टोरिकल सपोर्ट्स होते हैं, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है हिस्टोरिकल। खैर छोड़ते हैं।